गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल आप सारे अनु हर हर महादेव आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग, सब बढ़िया ही हो गए। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं पंजाबी कैसे बोल रहा हूँ, बोलना नहीं आती फिर भी जबरदस्ती की। तो हम लोग बहुत प्यारे और बहुत बड़े दरबार में आए हुए हैं, मणिकरण गुरुद्वारा जो है कसोल में, कसोल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। ये भी बहुत बड़ा दरबार है, यहाँ पर महादेव जी की तो बहुत ही मेन स्टोरी है, उन्हीं के उससे नाम रखा गया मणिकरण, और बहुत बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है ये गुरुद्वारा जिसका नाम है मणिकरण। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और कल रात मतलब लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा हम लोग सोलांग वैली रुके थे, वहां से हम लोग सुबह सुबह 4 बजे चल दी। इतनी गंदी वाली ठंड थी, बहुत ही ज्यादा गंदी वाली ठंड लग रही थी हम लोगों को, तो भी हम लोग सुबह 4 बजे वहां से चल दिए, और एकदम हम लोग 6, 6:30, 7 बजे आ गए थे सुबह सुबह। इसलिए आए हम लोग सुबह सुबह का नजारा देखने लायक होता है। पीछे से धुआं क्यों आ रहा है इसका रीजन भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगा। बाकी बहुत मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में भी, बहुत प्यार सब कुछ दिखाऊंगा, गुरुद्वारे में क्या है कैसा नहीं है सब कुछ, एवरीथिंग, किधर से पानी आ रहा है, गर्म पानी क्यों आ रहा है, बहुत बहुत कुछ बातें हैं इस गुरुद्वारे के लिए भी, मणिकरण के लिए भी। तो अब चलते हैं, सबसे पहले नीचे नहा धोते हैं, नीचे कुंड है वहां पर पानी वानी का सब बताऊंगा आपको क्या है, तो इसलिए हम नीचे जाएंगे। अब पहले नहाएंगे हम दोनों भाई, तो बालों के आज क्या है मणिकरण में बहुत बड़ा सलून खुला है, बहुत बड़ा, उधर से मैंने अपना हेयर स्टाइल कराया है, लल्लू वाले बाल हो रहे हैं। तो ओवरऑल में सुबह से पंजाबी बोल रहे हैं, 2-3 सरदार जी तो हम लोगों को टोक भी चुके हैं, क्या बोल रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी पंजाबी बोल रहे हैं। तो अब अमन भाई से मिलवा देते हैं सुबह सुबह। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल है, की हाल चाल है वीर जी? बढ़िया जी, बढ़िया जी। और जी वीर जी कैसा लग रहा है मणिकरण चांद में? बढ़िया लगता जी, बढ़िया लगता जी। ये पीछे का धुआं सारू तो ऐसी खुशी होती है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता इतने। अरे पीछे धुआं तो क्यों आंदा वीर जी? अरे तुसी मेरे को ये दसा, मेरे को तो सारू अलग अलग बताइया किसी की ऐसे दुआ दी, दुआ नहीं बताइया बताइया वीर जी, मजा आ रहा है वीर जी बहुत। अरे वीर जी ऐसे धूप ही नहीं आंदी है, ऐसे धूप आंदी है, धूप आंदी नहीं आती, तो कितने आंदी है, उत्थे भी नहीं आंदी, इत्थे भी नहीं आंदी, आंदी आंदी नहीं है, धूप कितने आंदी है फिर, उत्थे आंदी है। अच्छा तुसी नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम नहाने जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? सरोवर में, सरोवर नहाने, सरोवर कुंड में नहाने, सरोवर में नहाने जाते हैं। तो कुछ भी पंजाबी बोले, हाँ कुछ हम पंजाबी मुंडे है, पंजाबी आंदी नहीं है, कोई गल नहीं होती, पंजाबी बोल नहीं पाया है, सीनू पंजाबी बोलने आंदी नहीं है, बट हम बोलते हैं क्योंकि हम पंजाबी हैं। चलो चलते हैं कुंडिच, नीचे कुंडिच नारे धोने, वही मिलते हैं अब। तो गाइस ये गुरुद्वारे की मेन एंट्रेंस, और आप लोगों को जहाँ पर हम लोग नहाने वाले हैं जो कुंड है वो ये है। डर लग रहा है, पानी बहुत ज्यादा गर्म है यार, अंदर जाएंगे थे हम। तो अमन और मैं दोनों नहा लिए, पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था, नहाया भी नहीं गया, हम लोग इस कुंड में अंदर भी नहीं गए, बस बार बार बाल्टी से नहीं नहाए, बहुत ठंड लग रही है अब तो बहुत ज्यादा। तो हम लोग नहा धो के एकदम रेडी हो गए, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, इधर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि ये फर्श पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा है, नीचे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी हमको क्योंकि मैं नीचे ज़मीन से ही गर्म पानी उबल रहा है, बहुत अलग ही लेवल का चमत्कार है यार, मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा, पानी उबल रहा है नीचे ज़मीन से ही, माइनस टेम्परेचर है अभी, आप लोग जब भी ब्लॉग देखोगे तो गूगल करना सुबह 7:30-8:30 की समथिंग यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, अभी कट कर रहे हैं, अभी करंट टेम्परेचर है यहाँ का 1, मतलब 0 भी नहीं 1, तो भी नीचे पानी उबल रहा है वो। तो गुरुद्वारे वालों की तरफ से हमको रूम मिला है यहाँ पर, मतलब आप लोग भी आओगे तो आप लोगों को भी इजीली मिल जाएगा यहाँ पर, हम लोगों को ये रूम मिला है, कपड़े वगैरह हम लोग चेंज कर रहे हैं फिर सीधा निकलेंगे दर्शन कर रहे हैं। ये रूम मिला हमको 249, ये हमारा रूम है, ये पूरा सामान वामान एकदम सेट पड़ा अच्छी तरीके से, मतलब ऐसे रूम होते हैं यहाँ पर, इस रूम की कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आप लोगों को, आप अपनी फैमिली के साथ आओगे तो इससे भी बड़ा रूम मिल जाएगा, पूरा मतलब पूरा परिवार या पूरा जिला आओगे तो आप लोगों को हॉल में मिल जाएगा, एक दो फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो भी रूम मिल जाएगा, जैसे अमन और मेरे को भी रूम मिल गया, आप लोग कितने भी दिन रुक सकते हो यहाँ पर, कितना भी रुक सकते हो, कोई पैसा वैसा कोई चार्ज नहीं है इस रूम का। तो दोस्तों नहा धो के हम हो गए एकदम रेडी, कपड़े वपड़े पहन के, ये रही हमारी चौथी कुल्लू शॉल, अब आप लोगों को पूरा मणिकरण दिखाता हूँ। तो उस साइड तो हमारा रूम था, ये पूरा गुरुद्वारा है, ये प्यारे प्यारे माउंटेन्स, वो वहां से पानी जो उबल रहा है उसका धुआं है, अब हम नीचे चलते हैं।
गाइस हम लोग आ गए नीचे, ये पूरा मणिकर्ण गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारे की एंट्रेंस है और पूरा वो सामने शिव मंदिर जो बहुत ही अलग है। मतलब ये देखिए पूरा धुआं धुआं, ये वहां से पूरा पानी उबलता हुआ आ रहा है और इधर देखिए पूरा ये माइनस में टेम्परेचर वाला ये पानी है, बहुत ही ज्यादा ठंडा। कितना प्यारा झरना है, कितना प्यारा। बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, बहुत। तो गाइस ये आ गए मत्था टेकने दरबार में, गाइस सुबह सुबह बहुत ही प्यारा सा डॉगी मिला हमको, ब्रॉडी जैसा, देखिए हेलो भी करता है वो, तो बंधु है हमारा ब्रॉडी तो। हेलो ले, हेलो कितना क्यूट है यारे। हेलो तो गाइस ये रास्ता जा रहा है शिव मंदिर के लिए, ये मेन एंट्रेंस है शिव मंदिर की। और गाइस ये देख, ये सामने देख रहे हैं अभी ये सरदार जी जो है चावल दे रहे हैं, 20 रुपए का पर पैकेट देते हैं और जो पानी उबल रहा है उसमें उबाल के सारे लोग ये घर लेके जाते हैं अपने चावल। ये दिखाऊंगा, मतलब उबलते हुए पानी में चावल उबलते हैं सारे। गाइस ये वाली शिव मूर्ति अभी आप लोगों को देखेंगे नहीं, बहुत ज्यादा धुआं है। ये महादेव जी का मेन मंदिर, ये नंदी महाराज, यहाँ जितने इस गुरुद्वारे में जितने भी पानी है सब उबल रहे हैं। ये देखिए धुआं, और उस साइड माइनस में टेम्परेचर, मतलब इतना ठंडा पानी है तो हाथ लगाने में भी डर लगेगा आप लोगों को। ये मंदिर है पूरा। गाइस हमने चने ले लिए हैं भैया से, अमन ने भी, ये इधर ये दे रहे हैं 20 रुपीज़ पर पैकेट, चने भी मिलते हैं चावल भी। ये देखो यार चमत्कार, ये पानी नेचुरल उबल रहा है, सारी गुरुद्वारे की सब्जियां भी इसमें बनती हैं, चावल दाल वगैरह सब कुछ इसमें बॉईल होता है। ऐसा चमत्कार तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये रही महादेव जी की मूर्ति, कितने प्यारे लग रहे हैं बाबा। और ये हम लोग अब चने बॉईल करने वाले हैं, अपने घर लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं अपने घर पे ले जाना। ये हम लोग अब डालेंगे अंदर, चावलों में लगते हैं 15 मिनट और चने में लगेंगे आधा घंटा।
दोनों भाइयों के चने उबल गए सिर्फ 10 मिनट में। तो गाइस अभी इस टाइम हम बैठे हुए लंगर हॉल में प्रसादा चखने आए हैं। इधर वो फोन यूज नहीं करने देते, इधर हमने प्रसादा चख लिया है। अब चाय लेके बैठे हुए हैं, चाय ऐसे कटोरी में मिलती है यहाँ पे। मैं आपको हॉल दिखाता हूँ, वो पूरी ये पूरा लंगर हॉल है, वहाँ पर फोन यूज नहीं करने देते, इसलिए मैंने इधर आके बताया आपको। पहाड़ों की चाय तो कुछ भी नहीं है इस चाय के आगे, ये गुरुद्वारे की चाय। बहुत प्यारी चाय है। अमन कैसी है? अच्छी चाय है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंगर की चाय तो अच्छी होती है यार। गाइस हम लोगों ने पूरा मणिकरण गुरुद्वारा घूम लिया है, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और वो है सामने मेन गुरुद्वारा, बगल में महादेव जी का मंदिर, और ये है पूरी पार्वती नदी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके, बहुत मजा आया। बहुत ही प्यारा दरबार है, बहुत ही ज्यादा चमत्कार दरबार है। अब आप लोगों को इस दरबार की पूरी स्टोरी बताता हूँ कि इसका नाम मणिकरण क्यों रखा गया, ऐसी क्या पौराणिक कथाएं हैं इसकी, गुरुद्वारा कब से चल रहा है, कब से बना, और ये पानी इतना ज्यादा गर्म कैसे आ रहा है, सारी सब्जियां उसमें कैसे बन रही हैं अपने आप, तो इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों ये 1574 की बात है, जब गुरु नानक जी अपने भाई मर्दाना जी के साथ इधर यात्रा पर आए थे, तो यहाँ पर रुके थे वो। तो मर्दाना जी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, उन्होंने गुरु नानक जी को बोला था कि गुरु नानक जी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हमारे पास आटा वगैरह सब है पर उसको सेकने की कोई जुगाड़ नहीं है बनाने की। तो गुरु नानक जी ने बोला कि भूख तुम्हें ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो एक काम करो, नीचे पत्थर रखा है, हाँ, तो इसको हटाओ। तो मर्दाना जी ने जैसे वो पत्थर हटाया, वहां से एकदम से बहुत ज्यादा पानी निकला। तो मर्दाना जी को गुरु नानक जी ने बोला कि अब तुम सारी रोटियां बेल के इस पानी में डाल दो। तो उन्होंने ठीक है बोला कि ठीक है, अब आप जैसा करे हो गुरु नानक जी सही कह रहे होगे। तो उन्होंने सारी रोटियां बेल के उस पानी में डाल दी, 8, 10, 15 जितनी भी रोटियां हो, तो सारी रोटियां नीचे डूब गई। तो मर्दाना जी थोड़े से नाराज होकर बोले गुरु नानक जी से कि आपने तो बोला था कि सारी रोटियां बन जाएंगी, ये तो नीचे डूब गई। तो गुरु नानक जी ने बोला कि मर्दाना जी अब आप एक रोटी भगवान के नाम की निकालो और इसमें डाल दो। तो मर्दाना जी ने वैसे ही किया, एक रोटी भगवान के नाम की बनाई, मतलब बेली, और उस पानी में डाल दी। तो उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना करी कि भगवान जी ये रोटी आपके नाम की निकाली हम लोगों ने, अब सारी रोटियां पका के प्लीज, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है, ऐसा कुछ प्रार्थना करी। तो वो रोटी जैसी भगवान की नीचे गई, और उस जैसी वो रोटी नीचे गई, सारी रोटियां अपने आप पके, सारी रोटियां ऊपर आ गई। कितना ज्यादा बड़ा चमत्कार है, तब से ही ये गुरुद्वारे में ऐसे के ऐसी पानी उबल रहा है, तब से 1574 से, और मणिकरण गुरुद्वारे के हो गए लगभग 90 साल, और ये पानी में सारी सब्जियां अपने आप बनती हैं, सारे चावल वगैरह चने वगैरह जितने भी हैं सब अपने आप उबलते हैं। और एक और बहुत खास बात है, मतलब इस पानी के उसमें आप लोग नॉर्मल अपने घर वगैरह में चाय बनाओगे तो 2 चम्मच चीनी 1 कप या 2 कप में डालोगे, इधर का वो वाला बॉयल गर्म वाली पानी आप लोगे तो आप लोगों को चीनी डालने की जरूरत ही नहीं है, वो चाय अपने आप मीठी बनेगी। और एक और चीज, आप लोग जैसे चावल 2 या 3 घंटे में बॉयल होते हैं, तो आप नॉर्मल पानी में बॉयल करते हो, इस वाले पानी में 2 घंटे तक आपने चावल भिगो दिए, तो वो चावल को निकालने का टाइम यही है, 2 घंटे में निकाल लो, बॉयल हो जाएंगे। अगर आप लेट हो गए 4 घंटे 5 घंटे छोड़ो, अगर आप 5 दिन भी रखे रहने दोगे उस पानी में तो भी वो खराब नहीं होंगे यार, कितना बड़ा चमत्कार हो गया, ये चीज देखो आप। तो ऐसी कुछ स्टोरीज है मणिकरण की, यही स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी गुरुद्वारा और दरबार है। और ये यहाँ से जा रही है पार्वती नदी, ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और ऐसे ही अंदर का पानी कितना ज्यादा गर्म होता है। अब आप लोगों को महादेव जी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो बताता हूँ। और मेन मणिकरण, इस गुरुद्वारे का नाम क्यों रखा गया, इस गुरुद्वारे को मणिकरण क्यों कहते हैं, वो स्टोरी मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों पार्वती माँ और महादेव जी ने इधर तपस्या करी थी 11,000 साल, यस 11,000 साल तपस्या करी थी पार्वती माँ ने और महादेव जी ने इस जगह पर। तब जाके तपस्या करने के बाद पार्वती माँ का जो मणि थी वो नीचे पानी में गिर गई, तो उस मणि पार्वती माँ बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही थी, निराश थी कि मेरी मणि गिर गई। तो महादेव जी ने अपने सारे सेवकों को, अपने सारे भक्तों को बोला कि वो मेरे को मणि ला के दो कहीं से भी कैसे भी। तो उनके सारे सेवक मणि को ढूंढने लगे, उनको वो मणि नहीं मिली बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद। तो इतने में महादेव जी, शंकर भगवान, बाबा महाकाल बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा गुस्से में,
उन्होंने इसी जगह पर अपनी त्रिनेत्र खोली और एकदम से बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा। तो तब से जैसे ही धमाका हुआ त्रिनेत्र का, तब से यहाँ पर नैना देवी प्रकट हुई। उन्होंने सारे दूतों को बोला, सारे सेवकों को, भक्तों को, कोई वो मणि माता पार्वती की नीचे पानी के अंदर शेषनाग जी बैठे हैं उनके पास है। तो सारे सेवक लोग उनके पास गए, हाथ जोड़े कि ये मणि जो आपके पास है वो माता पार्वती की है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूँ, ये माता पार्वती की है। ये उन्होंने एक मणि के संग दूसरी मणि में लौटा दी। तब से ये मंदिर महादेव जी का ऐसे कैसे बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारी मंदिर है। मैंने अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, अपनी लाइफ में इतना चमत्कारी दरबार नहीं देखा। ये पानी वाली स्टोरी, वो मणि वाली, महादेव जी वाली, त्रिनेत्र पहली बार अपने महादेव जी ने ऐसी जगह खोले थे, बहुत ही चमत्कारी दरबार है यार। सच में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा इतना चमत्कारी दरबार। बहुत मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया सच में इधर दर्शन करके। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज ये सब कमेंट में बताना। तो बाकी का देखते हैं कैसा लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरी हिमाचल वाली सीरीज मेरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बिजली महादेव कैसा लगा वो भी इस कमेंट में, इस वाले ब्लॉग में बता देना, कोई बात नहीं। अंजनी महादेव कैसे लगे वो भी बताना। मणिकरण गुरुद्वारा, महादेव जी के सब कैसे लगे वो सब इस ब्लॉग में कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। तो आप लोगों को हिमाचल वाली पूरी सीरीज हमारे डे फोर की, फोर एपिसोड की कैसी लगी। और प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से पर्सनली, प्लीज यार ब्लॉग्स को थोड़ा सा प्यार दो, शेयर करो। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक सेकंड लगेगा, फिर आप लोगों को अपनी फिंगर को यूं करना है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो लोगों ने नहीं किया हुआ, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और पर्सनली प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये ब्लॉग देखने के बाद कमेंट में एक चीज जरूर लिखोगे। आप लोग अगर मेरे से, महादेव जी से और गुरु नानक जी से प्यार करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलते हैं, बाय बाय, अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। वो ब्लॉग किधर का होगा मुझे पता नहीं। अब इधर से हम लोग सीधा निकल रहे हैं भरतपुर, हमको एक से डेढ़ दिन लगेगा जाने में। तो चलते हैं, आप सभी अपना ख्याल रखें। वैभव की और अमन की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो टेक केयर, आई लव यू ऑल, जय महाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हर हर महादेव।